तो हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो एकदम परफेक्ट और टेस्टी काजू कतली। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 कप के करीब काजू यानी कैश्यू नट्स डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा के इसे पल्स करते हुए अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर हम एक बड़ा सा बाउल और एक छन्नी की मदद से इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी काजू के टुकड़े ना बचे। उसके बाद हम एक कढ़ाई में 1 कप के करीब चीनी और 1/2 कप पानी ले लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक इस चीनी की अच्छी सी एकदम चाशनी तैयार नहीं हो जाती। इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसे एक तरह की चाशनी आने तक पकाइएगा और फिर हम इसके अंदर हमारा तैयार किया हुआ काजू का पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एकदम स्मूथ सा मिक्सचर तैयार करेंगे इस तरीके से। और जैसे ये हल्का सा गाढ़ा होने लग जाए हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इस मिक्सचर को जो है किसी ग्रीस के ऊपर बटर पेपर के ऊपर या प्लेट में ले लेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से या बटर पेपर की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद हम इसे अपने हाथों के बीच करके अच्छे से रोल करके इसे फिर से एक बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और इसे उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे और इसके ऊपर बटर पेपर रख के हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से एकदम फ्लैट सा बेल लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर हम इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे और आप इसे जैसे चाहें वैसे शेप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ऑथेंटिक जो काजू कतली का शेप होता है डायमंड शेप उसी तरीके से शेप कर रहा हूँ। आप इसके कॉर्नर एजेस को भी अच्छे से प्रॉपर कट कर लीजिएगा। आप इसे जैसे चाहें वैसे कट कर लीजिएगा और देख सकते हैं हम इसे प्रॉपर डायमंड शेप दे गए हैं। और ये लीजिए आपकी स्वादिष्ट जो है होममेड काजू कतली बनके तैयार है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है और ये काफ़ी आसानी से बनके तैयार हो जाती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।